हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मजा आ। तो लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें कॉन्ट्रोवर्शियल वो हैकिंग कर रहे थे बड़े बड़े पबजी लोग। तो उसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए क्या। तो मुझे अराउंड 80% लोगों ने बोला कि हाँ भाई, हमें ये वीडियो ऐसे और चाहिए, जो भी बड़े बड़े कांड करते हैं वो हमें बता दीजिए। तो हम ऐसे एक वीडियो और एक लेके आए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि अब तक आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, वो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर दीजिए, जैसे इंस्टा या ट्विटर। इंस्टा पे आपको फॉलो करना है तो करो, मतलब करो ही, ट्विटर पे ऑप्शनल है, पर इंस्टा पे जाके फॉलो करो। जैसे मैं यहाँ पे सीरियस दिखता है वैसे इंस्टा पे नहीं हूँ, वहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से जाइए, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर दीजिए और बड़बड़ बंद कर देते हो, अपना वीडियो स्टार्ट कर देते। सो गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको एक दो गन दिखाऊंगा, वो देखना, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये मिनी देखते हैं। ये मिनी का ना आप रिकॉइल देखिए, रिकॉइल कितना है इसका। आप देखिए इसका रिकॉइल, आप समझ गए होगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इसका रिकॉइल देखना कितना धड़ 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 किधर किधर जा रहा है। इसके बाद दूसरी गन लेते हैं और इसके बाद हम AK-47 का देखते हैं। AK-47 का गोली देखिए, आपको AK-47 तो दिखाने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है उसका रिकॉइल कितना है, आपने देख लिया। तो आपने ये दोनों गन का देख लिया रिकॉल कितना है। तो एक BBJ करके एक रोस्टर और एक लाइव आते हैं, गेम खेलते हैं पबजी, वो भी इम्यूलेटर प्लेयर है, क्या यार कुछ समझता नहीं है, कोई पबजी खेल के दिखाओ, पबजी PC। तो ये खेल रहे थे उस दिन, यहाँ उस दिन फुल स्टाइल से उतर गए पूरे अपने, वो होते ना ड्रम, बड़े बड़े ड्रम नहीं, कंटेनर्स पे उतर गए, फटाफट उतर के AK-47 ली और ना धड़ 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 मार दिया। हाँ, मार दिया उन्होंने, बट ये क्लिप देखना, ये क्लिप देख के आपको क्या समझा, नहीं समझा वापस देखो। नहीं समझा, ठीक है वापस मत देखना, बहुत हो गया। मैं बताता हूं, अपना मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था जो गन की रिकॉइल AK-47 की, तो आप ये वाले AK-47 की रिकॉइल आपने देखी, कुछ भी नहीं थी उसके सामने। ठीक है, वो लोग उन्होंने बोला कि ना ये ग्लिच था, पर जब वो खेल रहे थे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तभी तो नहीं बोला, अरे भाई मुझे तो AK-47 की बिल्कुल रिकॉइल नहीं मिला। तो बाद में जब सब जो पब्लिक देख रही थी वीडियो, उन्होंने उनको रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, रोस्ट मतलब एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नया वीडियो बनाया, बोल रहे थे कि नहीं नहीं भाई, ये ना पबजी का एक ग्लिच था, इसकी वजह से मुझे रिकॉल नहीं मिला। अरे भाई ठीक है, पबजी का ग्लिच था, पर तूने पहले लाइव सीजन में क्यों नहीं बताया, लास्ट स्ट्रीम में बताया क्यों नहीं। ठीक है, इतना तक थी हमने मान लिया कि पबजी का ये ग्लिच था, उसके बाद भाई तूने अपने वीडियो क्यों डिलीट किया। यहाँ पे शक होता है, अगर वो नहीं करता हम बोलते कि नहीं भाई ये एक अच्छा है रोस्टर, तो ये अच्छा है, मुझे भी पसंद है रोस्टर, अच्छा है वो, बट अपने वीडियोस क्यों डिलीट किए। ये वीडियोस डिलीट करने का समझता है कि हाँ भाई किसी बड़े ने देख लिया, जो एक्सपर्ट होगा इस चीज़ में उसको पता चल गया होगा। अब क्या बोलेंगे, बस इतना ही आज के लिए हमारे पास, इतना ही था, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा भाई, इतना तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो कांड, तो ऐसा कांड मत करो यार। बस और वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये वीडियो आपको बस कैसे लगा तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना हो। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्या हो गया पता नहीं, भूलना मत सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।